पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फैसल के पूरे शरीर को बूटों से रौंदा, मिले 14 निशान। सब्जी वाले के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उसकी उम्र महज 17 साल थी, नाम था फैसल। यूपी के उन्नाव में ठेला लगाकर एक पेड़ के नीचे सब्जी बेचा करता था। 3 पुलिस वाले आए और उसे पीट पीट कर मार डाला। मामले ने तुल पकड़ा तो लीपापोती की कोशिशें हुई। पुलिस ने कहा कि पहले से फैसल की तबीयत खराब थी, कोतवाली पहुंचते ही उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। कहानी तो अच्छी रची गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक हालत में फैसल सब्जी बेच रहा था। कोतवाली पहुंचते ही उसे हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल फिल्मी स्टोरी रची थी पुलिस वालों ने, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि कितनी क्रूरता और बेरहमी से फैसल की हत्या पुलिस ने कर दी थी। शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे पुलिस वालों ने अपने बूटों से रौंदा ना हो। छाती पर, पीठ पर, हाथ पर, पैर पर, जहाँ जहाँ भी मन किया वहाँ वहाँ मारा, वहाँ वहाँ उसकी पिटाई की गई। वो सब्जी बेचने वाला फैसल था, कोई आतंकवादी नहीं, और ये दानव बन चुके थे पुलिस नहीं। फैसल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उसके शरीर पर 14 निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है कि पुलिस की कहानी झूठी है। फैसल की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पुलिस की ज्यादती से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार फैसल की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। फैसल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है, और इस हत्या के जिम्मेदार पुलिस वाले ही हैं। एएसपी शशि शेखर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी पुलिस कर्मियों विजय चौधरी और सत्य प्रकाश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैसल के परिजनों ने बताया कि विजय चौधरी और सत्य प्रकाश फैसल को लाठी व डंडों से बेहद बुरी तरह से पीटते हुए बीच चौराहे तक ले गए। उसके बाद उसे थाने ले जाने के लिए जीप में बैठाया और जीप में उसे बूट से बुरी तरह से पीटा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन पुलिस कर्मियों के सिर पर खून सवार था। लगातार मार खाते खाते फैसल की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।